हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट का एक और एक्साइटिंग पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि एटम को आखिर इंडिगो टाइप के लिए चुना कैसे गया और उसके मन में इतनी दया और इतना लव किसके बारे में है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एक इंडिगो रिंग को, जो रे पाल्मर ऑफ अर्थ को ढूंढ रही थी, जो कि था एटम। यहाँ पर हमें एटम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसके बचपन से लेकर अभी तक का, जहाँ पर रिंग हमें बताती है तुम हमेशा से ही फैसिनेटिंग लुक से दुनिया को देखते थे जो कि बाकी नहीं देख पाते थे। तुमने अपने काफ़ी छोटे एज से ही सारी दुनिया और सारे यूनिवर्स को जानने का और उसके वर्क के तरीकों को पहचानने का एक्सपीरियंस पा लिया था। आयरोनिकली तुमने लाइफ के सारे आंसर्स पा लिए थे और उन्हें विड्रॉ भी कर लिया था, और स्ट्रैंक होकर तुमने पूरे वर्ल्ड को बचाने की कोशिश भी की। और तब तुम्हारी मुलाकात हुई जेन लॉरेन से, लेकिन तुमने उसके कॉन्फिडेंस के पीछे की ट्रबल्ड सोल को पहचान लिया और तुमने सोचा कि तुम उसे बचा लोगे अपने रिलेशन के साथ, और तुमने इसी के साथ सारी इनसिक्योरिटीज इरेज करने की कोशिश की। लेकिन जो लव तुम्हारे बाकी लीग मेंबर्स में आपस में था, जैसे कि हॉकमैन और हॉक गर्ल, इलोंगेटेड मैन और सूट डिबनी, लेकिन तुम्हारा लव वैसा नहीं था। उनका लव डेथ और उसके परे भी था, लेकिन तुम्हारा नहीं। तभी वो देखता है जेन को किसी और आदमी के साथ, और वो रिंग आगे बताती है, तो तुमने पहली बार दुनिया से मुंह मोड़ लिया जेन लॉरेन के कारण, और तुमने मिनिएचर्स की रेस ज्वाइन कर ली डीप अर्थ के जंगल में, और तुमने सोचा कि वहां पर तुम्हें लव मिल जाएगा उनके लीडर लाइथवेन के साथ, लेकिन वो भी मार दिए गए और इसी ट्रेजेडी के कारण तुम फिर से नॉर्मल हो गए। लेकिन तुम्हारा हार्ट तब बैठ गया जब सू डिबनी मर्डर हो गई, और तुम्हें जब ये पता चला कि जेन की वजह से ही सुखा कत्ल हुआ, तब दूसरी बार तुमने जेन लॉरेन की वजह से दुनिया से मुंह मोड़ लिया और श्रैंक होकर तुम फिर से लव की तलाश करने लगे। लेकिन हमेशा की तरह लव तुमसे हमेशा ही लॉस्ट होता रहा और जेन फिर मर गई, लेकिन बाकियों की तरह ही वो भी ब्लैक लैंटर्न बन के वापस आ गई, और अब वो तुम्हें मारना चाहती है। हमारी ट्राइब तुमसे प्रार्थना कर रही है कि रे पाल्मर तुम हमारी ट्राइब को ज्वाइन कर लो, और इसी के साथ तुम तीसरी बार जेन लॉरेन की वजह से दुनिया से मुंह मोड़ने से बच जाओगे, और तुम खुद के एम्पैथी पर, जो कि जेन लॉरेन के लिए है, उस पर शर्मिंदा महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी है ग्रेट कंपैशन की। और इसी के साथ वो एक इंडिगो लैंटर्न बन जाता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड शुरू होता है द एटम एंड द हॉकमैन, जहाँ पर पहले तो रिंग उसका स्वागत करती है इंडिगो ट्राइब में, जहाँ पर वो कहता है मुझे लगता है कि तुम एक गुड प्लान के साथ जरूर आए होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं हॉकमैन और हॉक गर्ल एटम को मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हॉकमैन कह रहा था तुम्हें पता है कि हम हार्डली हॉक गर्ल और मैं रीयूनाइट हुए हैं फिर से, और जब से जेन ने तुम्हें डिवोर्स दिया है तो तुम लव की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हो। लेकिन इतना सुनते ही एटम उस पर हमला करते हुए कहता है लेकिन तुम लोग किसी भी तरह से लव के बारे में नहीं जानते होगे, और वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना, और हॉकमैन के हाथ से छूटकर वो सीधा बढ़ रहा था हॉक गर्ल की तरफ, जहाँ पर वो कहती है सॉरी किस लिए रे, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तो तुम्हारे साथ होना ही था, तुम इसी के लायक जो थे, और कार्टर के साथ जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, अब तुम्हारे साथ सभी लोग मरेंगे। और एटम इसी बात का फायदा उठाकर हॉक गर्ल के मुंह में घुस जाता है और कहता है तुम और कार्टर नहीं बल्कि सभी लोग मौत से वापस आएंगे। लेकिन इस बार वो फिर से रिजरेक्ट नहीं हो पाएंगे, और इतना कहते ही वो अपना साइज बदल कर हॉक गर्ल को मार देता है। लेकिन यहाँ पर हॉकमैन गुस्से में आकर उस पर अपनी माइस से अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है, और यहाँ पर एटम उस घास में से यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन उसे मारने के लिए हॉक गर्ल अपनी माइस का इस्तेमाल करते हुए सब जगह तबाही मचा रहा था। और तभी इंडिगो वन आकर उसे मारते हुए कहती है रे पाल्मर अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें अपने पावर का एक्सेस करके रिंग के एनर्जी को मैनिपुलेट करना होगा, और तुम्हारे रिंग एबल है तुम्हें टेलीपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जहाँ पर लोगों को तुम्हारी जरूरत है और उन्हें हील करने के लिए, और तुम्हारे रिंग के साथ ही तुम्हारे आसपास जो भी लैंटर्न है तुम उसके लाइट के जैसे ही अपने लाइट को रिकन्फिगर कर सकते हो, ये कैपेबिलिटी तुम्हारे रिंग में है। और वो आगे कहती है लेकिन ध्यान से, क्योंकि उनमें से कुछ आवाज़ें लाउड होती है जो तुम सुन नहीं पाओगे और कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। और वो डेमो दिखाते हुए रेज को रिकन्फिगर करती है, कुछ बर्ड्स को बनाकर उन दोनों को जला देती है, और वो कहती है यूनिवर्स के सारे ब्लैक लैंटर्न्स अर्थ की तरफ बढ़ चुके हैं, तो मुझे कांटेक्ट करना होगा मेरी ट्राइब से ताकि वो अपने होम वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ सके मेरी कॉप के साथ,
और बाकी सभी आर्मीज को भी, और तब तक मैं खुद को एक्सपोज करके रखूंगी। इस पर रे पूछता है, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जिस पर वो कहती है, तब तक मुझे जिंदा रखो। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर सारे ब्लैक लैंटर्न लगभग आ चुके थे। यहाँ पर एटम उसकी बात को सुनकर ग्रीन लैंटर्न की पावर मिमिक करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी वो ग्रीन लैंटर्न की बजाय ऑरेंज लैंटर्न की, यानी कि ग्रीड की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो कहता है, ये सब कुछ मेरा है, तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया, मेरे दोस्तों को मुझसे छीन लिया, तो अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। और वो हॉक गर्ल और हॉक मैन का एक ऑरेंज फॉर्म बनाकर उन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों ही उसे बड़ी आसानी से मार रहे थे। और यहाँ पर वो जेन को ढूंढ रहा था। यहाँ पर जेन एक ब्लैक रिंग से निकल कर उसे मारते हुए कहती है, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हार्ट बीट हूँ। और वो उसे मारकर आगे इंडिगो वन की तरफ बढ़ रही थी, और तभी वो उसकी रिंग को करप्ट कर देती है अपनी ब्लैक लैंटर्न पावर्स के साथ। और वहां पर वो इन्फेक्शन डिटेक्ट करते ही इंडिगो अपना ध्यान तोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर जिन उस रिंग के अंदर घुस जाती है, और उसी के पीछे उसे रोकने के लिए एटम भी उसके पीछे पीछे घुस जाता है। यहाँ पर रिंग उसे बता रही थी, तुम्हारे पास बहुत कुछ है लॉस्ट करने को, और तुमने बहुत कुछ लॉस्ट भी किया है, और उस लॉस्ट को तुम कभी भी पा नहीं सकते। और तभी वो एक जगह पर गिरता है, जहाँ पर सबसे पहले तो वो खुद से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन एक टेबल पर रखा केक देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है, और वो डरने लगता है कि तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है, और वो फोन उठाती है सू, और वो फोन उठाई रही थी कि तभी एटम कहता है, नहीं उस कॉल को आंसर मत करो, लेकिन तभी सू वहीं पर मर जाती है। और यहाँ पर ब्लैक लैंटर्न जेन कहती है, गलती से मर गई। इस पर एटम कहता है, मैं ये खेल कई बार खेल चुका हूँ, कई से भी ज्यादा बार, अपने माइंड में तुमने उसे मार दिया, तुमने उसे मार दिया मेरे लिए, तुम क्रेजी बिच हो। और तभी वो कहती है, तुम गुस्सा हो गए, पर वो बताता है, नहीं मैं अभी गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं सैड हूँ। तब वो कहती है, तुम्हें पता है कि सैड तुम कब होगे, जब तुम्हें कुछ और दिखाया जाएगा, जब तुम देखोगे प्रिंसेस ऑफ लिलीपुट को। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिलीपुट की सारी सेना उस पर अटैक कर रही थी। जहाँ पर सू कहती है, मेरी तरह वो भी वापस आ चुके हैं, और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, जबकि तुम इस प्रिंसेस के पीछे पड़े हुए थे एक मैच बॉक्स में, जो कि दोनों के लिए बनाया हुआ था, और तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी उसे मार ही रहे थे कि तभी वो वहां पर से उठकर ब्लैक लैंटर्न सू पर एक अटैक करता है, और उसे एक पेड़ में घुसाकर कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें भूल चुका हूँ, तुम में से आगे बढ़ चुका हूँ, और अब मैं तुम्हारे जरिए हॉन्टेड नहीं होना चाहता, कभी भी नहीं। और वो तभी ग्रीन लैंटर्न की पावर का यूज करके जेन से कहता है, मैं अब जो करने वाला हूँ उसके लिए माफ करना जेन, तुम अब मरोगी। और वो इंडिगो लैंटर्न और ग्रीन लैंटर्न की पावर यूज करके उसे मार देता है, और तभी इंडिगो वन उस इन्फेक्शन से आजाद हो जाती है, और फिर से वो मैसेज भेजने लगती है। और वो मैसेज मिलता है इंडिगो लैंटर्न को, ओवा पर ग्रीन लैंटर्न को, क्योंकि होम वर्ल्ड है ग्रीन लैंटर्न कॉप का, कोरोगर पर सेलेस्टो कॉप को, क्योंकि उनका होम वर्ल्ड है, सेमेरॉन पर स्टार सफायर्स को, क्योंकि स्टार सफायर्स का होम वर्ल्ड है, ओडियम पर ब्लू लैंटर्न कॉप, क्योंकि होम वर्ल्ड है ब्लू लैंटर्न कॉप का, फायर्स मेल्ट पर रेड लैंटर्न को, क्योंकि उनका होम वर्ल्ड है। और इसी के साथ इंडिगो वन उसे कहती है, एटम तुमने पूरी दुनिया को बचा लिया। और इंडिगो लैंटर्न की ये बात सुनते ही एटम कहता है, लेकिन ये किसी को मत बताना, क्योंकि मैं अपना प्रोफाइल लो रखना चाहता हूँ, ना कि डिंगे मारना चाहता हूँ। और आगे वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब इंडिगो लैंटर्न पूछती है कि कैसे, इस पर वो बताता है, तुम मेरी मदद करोगी ये ढूंढने के लिए कि हॉकमैन और हॉक गर्ल को फिर से जिंदगी में कैसे लाया जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर कोई और इंटरेस्टिंग कॉमिक है तो भी मुझे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।